अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे ज़कात की मशाइल और औरतों से रिलेटेड ज़कात की मसाइल। तो कितने माल पर ज़कात वाजिब होती है? शरीयत ने माल पर एक लिमिट रखी है कि अगर आपके पास इतना माल है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, और इस लिमिट को ज़कात का निशाब कहते हैं। खैर, वो लिमिट क्या है ये पहले हम जान लें। सोने की लिमिट है, अगर आपके पास 7.5 तोला सोना यानी 478 ग्राम है तो आप पर ज़कात वाजिब है। चांदी की लिमिट है, अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी यानी 621 ग्राम है तो आप पर ज़कात वाजिब है। और अगर ये दोनों है लेकिन अपनी अपनी लिमिट को नहीं पहुंच रहे हैं तो दोनों को तोला जाएगा और ये देखा जाएगा कि दोनों को मिलाकर कीमत और लिमिट कब पहुँच रही है। अगर पहुँच रही है तो उस पर 2.5% ज़कात वाजिब हो जाएगी, यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये। नाबालिग लड़का या लड़की अगर मालदार और उसके पास इतनी मालियत है जो ज़कात के निशाब को पहुंचती हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि शरीयत के हुक्म उस पर लागू होते हैं जो बालिग हो चुका हो। इसलिए अगर बच्चा या बच्ची के पास इतनी मालियत है तो ज़कात में निशाब को पहुंचती है, तब भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ज़कात का माल किसको दे और किसको ना दे, इस सिलसिले में एक आम कानून यह है कि जिसकी ज़िम्मेदारी आप पर वाजिब और ज़रूरी हो उसको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं, अगर दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसे ही बीवी के मसले को अगर आप देखेंगे तो बीवी की ज़िम्मेदारी और बीवी का नामुनफ़का शौहर पर वाजिब और ज़रूरी, और शरीयत के बीवी की ज़िम्मेदारी शौहर पर डाली है। इसलिए शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बल्कि उनको दे तो उसकी ज़िम्मेदारी में ना हो। इसी तरह अगर बीवी शौहर को ज़कात दे तो ये जायज़ नहीं होगा, इस तरह ज़कात की अदगाई नहीं होगी। मेहर औरत का खालिस हक है और उसकी अदगाई को शरीयत ने शौहर पर लाजमी और ज़रूरी बताया। इसलिए बेहतर तो यही है कि निकाह के फौरन बाद शौहर को मेहर अदा कर देना चाहिए, लेकिन अगर शादी के वक्त ना कर सका तो जितनी जल्दी हो सके उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मेहर अदा कर दिया तो औरत उसकी मालिक हो गई और उससे जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे, लेकिन जब उससे मिली हुई मेहर की रकम पर 1 साल पूरा होगा तो औरत पर ज़कात वाजिब होगी और उसका अदा करना और औरत पर ज़रूरी होगी। औरत सोने के जेवरात इस्तेमाल करती है, अगर उसकी कीमत इतनी है जो ज़कात के निशाब को पहुँच रही है तो जैसे ही साल उन पर पूरा होगा ज़कात वाजिब हो जाएगी। लड़की की शादी के वक्त वालिदैन की तरफ से जो सामान मिलता है उसमें अगर सोना चांदी के जेवरात हैं और वो ज़कात की लिमिट को पहुंच रहे हैं तो उस पर ज़कात वाजिब होगी।